क्लास टेंथ के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक चीज में कि आपको एक फिगर दे देगा और आपको करना है उसको लेबल। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट पार्ट जो दिया है ये है स्लेवरी एमलाइज से सिक्रीट होता है जो एंजाइम, दैट इज स्लेवरी एमलाइज, जिसमें आप जो कन्वर्ट करता है आपके स्टार्च को शुगर में, तो फर्स्ट पार्ट इज एमलाइज। तो ऑप्शंस में देखें फर्स्ट पार्ट एमलाइज यहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन हम बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो है यहाँ पेप्सिन रिलीज होता है, देखिए पेप्सिन, तो पेप्सिन का काम क्या होता है कि पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में, तो ये इसका काम होता है, रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। थर्ड वाले में जाते हैं तो थर्ड वाला इस ट्रिप्सिन, तो ऑप्शन बी तीनों को बिल्कुल सही से इंडिकेट करता है। तो जो ट्रिप्सिन है वो भी एक टाइप का प्रोटोटीज है, ये पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, इट असिस्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड्स बाय एक्टिवेटिंग अनदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको ये लेबलिंग करने के लिए दिया, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट जो आपको दिया है यहाँ लेबलिंग करने के लिए, आप यहाँ देखिए आपको क्या बोला गया है, यहाँ एक कॉलम वन कॉलम टू दे दिया है, यहाँ देखिए दिस इज कॉलम वन कॉलम टू। अब कॉलम वन में ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अब हमने यहाँ देखा ये इसको मैच करना है, तो फर्स्ट पार्ट को जब मैं मैच करने जाऊँ तो आप देखें ये माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पार्ट, यहाँ जहाँ इनिशियल फेज ऑफ डाइजेशन होता है, मतलब ये होता है जहाँ सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ स्लेवरी एमलाइज स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, तो हम कहेंगे इट इज इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। तो ये फर्स्ट वाले को यहाँ जो है इंडिकेट करेगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ आ गया। फर्स्ट वाला हम देखें, फर्स्ट वाले के साथ हमारा आया बी, ऑप्शंस में जाते हैं, फर्स्ट वाले के साथ यहाँ ए है तो ये नहीं लेंगे, ये बी है ये ले सकते हैं, ये बी है ये भी ले सकते हैं, डी वाला भी हम नहीं लेंगे। हम जाते हैं सेकंड की तरफ, सेकंड में आप देखें व्हाट इज दिस इज लीवर, तो ये सेक्रीट करता है बाइल और बाइल ब्रेक करता है फैट्स को स्मॉल ग्लोबुल्स में, जिससे कि क्या होता है जो एंजाइम लेग बेस यहाँ से सेक्रीट होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। तो सेकंड को हम कह सकते हैं कि सेकंड बात जो हमारी है वो है सी, मतलब इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेस एंजाइम एक्शन। फिर अगर मैं थर्ड की तरफ जाता हूँ तो थर्ड वाले में आप देखें थर्ड पार्ट, अब ये देखिए जो अभी हमने सेकंड पार्ट देखा है सेकंड पार्ट इज सी, तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से मैच करना है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं थर्ड वाला क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं और लाइफ प्रोसेसेस में से यही दोनों क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं।